ग्रेट अवेस सलाहुद्दीन यू ब्यूटी, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम है। क्या उमदा जा रहा ना बैटिंग, आप हमारे गेस्ट प्लेयर हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं छक्के लगाने के लिए, शायकीन को महसूस करने के लिए, नाजरीन को महसूस करने के लिए। क्या कमाल बैटिंग की आपने अवेस सलाहुद्दीन, तारीफ के काबिल हैं आप। एक बार फिर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की गई लेकिन टाइमिंग आउट हो गई। इसी इसना के अंदर भाग के दो रन बना लिए गए हैं। इक्वेशन काफी सिंपल होती जा रही है। चाघी के फेवर में 16 बॉलें बकाया, सिर्फ 21 रन। अवैस सलाहुद्दीन 3 छक्के लगाकर डीआरटी वालों की जानिब से 10,000 रुपए के इनाम के हकदार। उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं इस इनिंग में। अवैस सलाहुद्दीन अपने इनफरादी स्कोर 46 रन, फकत 13 बोले। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा मैच, बिग मैच प्लेयर, आपकी जितनी तारीफ की जाए अवैस सलाहुद्दीन बहुत कम है। आप पराचों के टैलेंट हैं। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की गई मोहम्मद पराचा की तरफ से, अच्छी बॉल, रन आउट का खतरा। दूसरी एंड पे फैसल पराचा की कोशिश थी कि वो सिंगल स्टील कर लें। बहुत अकलमंदी के साथ अवैस पराचा ने फैसल पराचा को वापस भेजा। मोहम्मद पराचा कमबैक करते हुए डॉट बॉल कराने में कामयाब। 15 बॉले बकाया, 20 रन दरकार। स्ट्राइक पे मौजूद अवैस पराचा, जा रहा मूड के अंदर। शायकीन का लहू गरमाते हुए, अपने बल्ले से आग उगलते हुए अवैस पराचा 5 छक्के इस इनिंग में लगा चुके हैं। एक और छक्का, आपने मेरा दिल जीत लिया। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद तमाम शायकीन का, आपका कोई जवाब नहीं अवैस पराचा। अवैस पराचा आप 6 छक्के लगा चुके हैं। डीआरटी ने आपके लिए 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया था। इसी छक्के के साथ 50 रन बना चुके हैं अवैस पराचा फकत 15 बॉलों पे। आपने अपनी टीम के लिए टारगेट को बहुत सिंपल कर दिया है। ऑन पेपर पराचा चाघी क्रिकेट क्लब फेवरेट्स, पराचा स्टार्स इस दौड़ के अंदर काफी पीछे। जोरदार हेड लगाने की कोशिश की गई, जोरदार अपील, अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। आउट, बोल्ड करने में कामयाब मोहम्मद पराचा, बहुत आलिशान। कोर्ट बिहाइंड है जी। मोहम्मद पराचा ने रन्स दिए हैं लेकिन विकेट लेने का तसलसल बरकरार रखा। एक बहुत ही मायानास खिलाड़ी कराची के, उन्होंने उनको आउट कर दिया। अवैस पराचा मोहम्मद पराचा की गेंद पर आउट होकर पवेलियन में वापस। अवैस सलाहुद्दीन स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हैं। खिलाड़ी हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। मैं बार बार अपनी कमेंट्री में आपके टैलेंट के बारे में बताता रहा और आपने मुझे झूठा साबित नहीं किया। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं आपके अवैस सलाहुद्दीन। कराची के खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट के फाइनल को जीतने के बहुत नज़दीक। अवैस पराचा ने इसमें जीत के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। बहुत खूबसूरत बैटिंग अवैस पराचा। नए आने वाले बैटर सुमान पराचा, मोहम्मद पराचा बॉलिंग कराते हुए। यकीनन मोहम्मद पराचा की कोशिश होगी कि वो आउट करें। जैसा कि मैं बार बार बोलता रहा हूं कि ये सारे प्लेयर्स मेरे साथ खेल चुके हैं, ये जूनियर्स हैं, मैं सबको जानता हूं। मोहम्मद पराचा बड़े अहल बॉलर हैं। बहरहाल थोड़े से रन कंसीड कर दिए उन्होंने आज। विकेट मिल गए जी मोहम्मद पराचा को। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं मोहम्मद पराचा को अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अहल बॉलर हैं। सुमान पराचा जी गोल्डन डक, पहली बॉल पे 0 स्कोर करके मोहम्मद पराचा के हाथों बोल्ड हो गए। अच्छी बॉल थी, जज नहीं कर सके, शॉट खेलने के लिए गए, मिस हो गई बॉल।
बॉल मिस हो गई, बोल्ड हो गए, बहुत कीमती विकेट है। मोहम्मद पराचा आपने बहुत अच्छा कमबैक किया। मोहम्मद पराचा पिछले दो तीन मैचों में बेहतरीन लगातार विकेट हासिल करते हुए अभी भी उन्होंने बहुत अहम विकेट हासिल की हैं अवैस पराचा की और सोमान पराचा की। इक्वेशन में बताता चलूं तमाम शायकीन को, 12 बॉलें बकाया, फकत 14 रन्स बकाया, 12 बॉलें 14 रन्स ऑन पेपर, बैटिंग साइड इक्वेशन फेवर कर रही है, लेकिन क्रिकेट आप सबको पता है मजाया खेल है, जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए आप दावे से कुछ नहीं कह सकते। बज़ाहिर 12 बॉलें 14 रन्स, दूसरा बलूचिस्तान पराचा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल का नतीजा चंद ही लम्हात में आने वाला है। 1.5 लाख रुपए का इनामी रकम, विनिंग ट्रॉफी किसके सर पर सजती है, विनिंग सेहरा क्या वो चाकी होगी, क्या वो स्टार्स होंगे, कुछ देर में फैसला। शॉट खेल दिया गया बहुत उमदगी से फ्रंट फुट पर कुवत के साथ, फैसल पराचा बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर फेंक के इक्वेशन को अपनी टीम के लिए बहुत आसान कर दी। 11 बॉले 8 रन्स। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा मुझको कमेंट्री बॉक्स में। वाइट बॉल 11 बॉले 7 रन। मैं जोश देख सकता हूं पराचा चाकी के प्लेयर्स फैंस के करीब सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार, वो स्मेल कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को, झंडा उन्होंने बुलंद कर लिया पराचा चाकी और छक्का। एक रन रहता है भाइयों। फैसल पराचा का उमदा शॉट, लेग की तरफ बॉल को फ्लिक कर दिया, 6 रन हासिल ऑन पेपर, स्कोर टाए। दूसरा बलूचिस्तान पराचा क्रिकेट टूर्नामेंट लॉजिकली तौर पे, जाहिरी तौर पे पराचा चाकी के फेवर में जा सकता है, सिर्फ 1 रन चाहिए और काफी बॉलें बाकी हैं। देखते हैं कि इस बॉल पे क्या होता है। अब्दुल्ला तुफैल बॉलिंग करते हुए और डॉट बॉल कराने में बहुत जोरदार अपील। अंपायर का फैसले का इंतजार करना होगा। अंपायर ने कोई फैसला नहीं किया, मतलब नॉट आउट। मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा है कि जीत के नज़दीक। मैं ये समझता हूँ चाकी के खिलाड़ियों ने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इस टूर्नामेंट को एक लिहाज से जीत लिया है। और बहुत बहुत मुबारक हो पराचा चाकी, दूसरे बलूचिस्तान पराचा क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर्स, विनिंग ट्रॉफी, उमदा कारकर्दगी का मुजाहिरा, क्या अजीम शान कारकर्दगी। हमारे गेस्ट प्लेयर्स थे, कराची से आए हुए थे, विनिंग ट्रॉफी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ा दिन पराचा बरादरी के लिए, उमदा कारकर्दगी, वन साइडेड फाइनल, क्या बैटिंग की है वैस लाहुद्दीन ने, क्या बैटिंग की है फैसल पराचा ने, एक अच्छा स्कोर था 6 ओवर के लिहाज से, लेकिन आप लोगों ने इतनी उमदा बैटिंग की है कि ये वन साइडेड आप लोग फाइनल जीत गए। मैं एज अ कमेंटेटर, एज अ शायकीन मोहम्मद साद पराचा की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशी का मकाम खिलाड़ियों के दीदनी, खुशी एक्साइटमेंट जोशो खरोश ग्राउंड में आ जाना आपका हक है। इस मोमेंट को एंजॉय करें, इस यादगार इवेंट को एंजॉय करें। आप जो है फख्र के साथ कराची जाएंगे तो कप के साथ जाएंगे और वहां पे सीना तान के बोलेंगे कि आप लोग विनिंग ट्रॉफी लेकर आए हैं। मेरी तरफ से एक बार फिर आलिशान कारकर्दगी दिखाने के ऊपर आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। 8 टीमें थी, 8 कप्तान थे, हमें नहीं पता था कि किसके सर पे, किसके सर के ऊपर विनिंग ट्रॉफी जाएगी, आज पता लग गया। विनिंग सेहरा अब्दुल्ला अनवर के सर के ऊपर। एक्साइटमेंट खिलाड़ियों की दीदनी, लोग शायद समझें कि वो आपस में लड़ रहे हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं लड़ रहे, एक्साइटमेंट के अंदर थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं, प्यारो मोहब्बत।
पराचा चाही क्रिकेट क्लब, वेल प्लेड गाइस, आप लोग ट्रॉफी डिजर्व करते थे, आप लोग थ्रू आउट द टूर्नामेंट